हिल क्लाइंब रेसिंग तो हम सब ने खेला होगा, जो कि एक टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स में से एक था, और इसने रिलीज के पहले ही साल 100 मिलियन डाउनलोड भी क्रॉस कर लिए। गेम के सक्सेस को देखकर डेवलपर्स ने हिल क्लाइंब रेसिंग 2 भी बनाया और वो भी हिट गेम हुआ। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इस पूरे फ्रेंचाइज की पॉपुलरिटी कम होने लगी। जहाँ पहले हिल क्लाइंब रेसिंग के यूट्यूब वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आते थे, वो अब 1 लाख व्यूज भी पूरे नहीं कर पा रहे। आखिर इस गेम के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे लोगों ने इसे अबैंडन कर दिया, यही जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई क्या? सर, इस वीडियो में मैं आपको हिल क्लाइंब रेसिंग के राइज एंड फॉल के बारे में तो बताऊंगा, साथ ही मैं इस वीडियो के एंड तक मैं खुद का भी हिल क्लाइंब रेसिंग गेम बनाने वाला हूँ, वो भी 3D, जिसे आप फ्री में डाउनलोड करके खेल भी पाओगे अपने मोबाइल डिवाइस। अब मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत से लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब काफी कम लोगों ने कर रखा है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब फिंगरसॉफ्ट के फाउंडर ने तो 3 महीनों के अंदर हिल क्लाइंब रेसिंग गेम को बनाया था, जहाँ उनकी हेल्प के लिए उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने गेम का आर्टवर्क बनाया था। कहा जाता है कि उस समय फिंगरसॉफ्ट कंपनी बड़े कर्जे में थी, लेकिन मेरे पास तो बस इस वीडियो का ही टाइम है गेम को बनाने के लिए, और इसमें मेरी हेल्प करेंगे गेम ऑन बजट, जिन्होंने पूरे गेम को ही बनाया, तो आप उनके चैनल को भी चेकआउट जरूर करें। किसे पता था कि इतनी डेडिकेशन से डेवलप की गई ये गेम फाइनली कंपनी के लिए मोस्ट पॉपुलर साबित होगी। हिल क्लाइंब रेसिंग 1 की सफलता की शुरुआत 2012 में हुई, जब फिनिश स्टूडियो फिंगरसॉफ्ट ने हिल क्लाइंब रेसिंग को प्ले स्टोर पर रिलीज किया। हिल क्लाइंब रेसिंग 1 का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था, इसमें रियलिस्टिक फिजिक्स के साथ अलग अलग लेवल्स भी थे जिसने गेमर्स को चैलेंज करके रखे। तो अब बात करते हैं हिल क्लाइंब रेसिंग के प्लॉट की। बिल न्यूटन, जो कि गेम का प्रोटैगनिस्ट है, आपको उसकी हेल्प करनी है उबड़ खाबड़ पहाड़ चढ़ने में। ऑन योर वे आपको काफी सारे कॉइन्स मिलेंगे जिन्हें कलेक्ट करने से आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। आपका फोकस मेनली 3 चीजों पर होगा, ड्राइविंग, बिल न्यूटन की सेफ्टी और गाड़ी का फ्यूल। हाँ, अगर मन हुआ तो आप कॉइन्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ेगा रास्तों की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी, और हाँ, गेम में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि गेम को डेवलप रियलिस्टिक फिजिक्स को ध्यान में रखकर किया गया। अगर आपकी गाड़ी अपसाइड डाउन